आज मैं आपसे जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो जो टॉपिक है इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है। जो जेई के एस्पिरेंट्स हैं, जेई मेन के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, एक अटर कन्फ्यूजन है कि भाई इसका पेपर कब होगा, कब नहीं होगा, जैन में होने वाला है कि नहीं होने वाला है, रजिस्ट्रेशन कब होगा, सिलेबस कितना आ रहा है। इतने सारा कन्फ्यूजन है कि बच्चों को सच में बिल्कुल नहीं पता है कि भाई इस बार जैन का जो होता था अटेम्प्ट जेई मेन्स का वो होगा भी कि नहीं होगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको अभी यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप जेई मेन्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको टाइमली अपडेट्स देते रहेंगे ताकि आप फुल्ली अपडेटेड रहें और आपसे एक भी इंफॉर्मेशन जो है छूटे नहीं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए कितनी ज़्यादा इन कन्फ्यूजन के बीच में ना बच्चों का जो मनोबल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। उसके बीच में एक ही बात बताऊंगी कि भाई देखो, इधर उधर की बातें सुनना बंद करो। इतने सारे चैनल्स हैं, ठीक है, वो कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कि पोस्टपोन हो गया है, देखते हैं कि कितना आपका सिलेबस रिड्यूस होगा। मैं आपको एक ही बात बता दूँ कि आप इसकी जो ऑफिशियल साइट है प्लीज़ उसको बार बार विजिट करते रहिए, वहाँ पर आपका किसी भी तरह का अपडेट होगा वो ज़रूर आएगा। तो मैं ये आपका क्विक अपडेट था और ये बस उन बच्चों के लिए था जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, ठीक है। और आपको बताना चाहती हूँ कि आप इसके जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर जाइए, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो आप प्लीज देख लीजिए, वो स्क्रीन पे भी आपको आ जाएगी, ठीक है। वो क्या है, jemains.nta.nic.in, ठीक है। इस पे जो है आप जाएंगे, आपको हर तरह की क्वेरी क्लियर होगी। प्लीज आप इधर उधर से बातें मत सुनिए, मत विश्वास कीजिए। मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, आप ऑफिशियल उस पर जाइए। और आपको ये भी बता देती हूँ कि अभी तक फिलहाल कोई डेट नहीं आई है कि आपका जो है जेई मेन्स कब होगा, जैन में होगा भी कि नहीं होगा, आगे हो जाएगा कि कब होगा, ठीक है। तो कोई अपडेट नहीं आया है तो प्लीज़ आप कुछ मत मानिए। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सिलेबस में हो सकता है कि पैंडमिक की वजह से इसका पेपर तो डिले हो गया है, ये भी हो सकता है कि इसका सिलेबस कट जाए, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा रिड्यूस होगा ना, पूरा का पूरा चेंज तो नहीं होगा। तो आप तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए ना, आप क्यों कन्फ्यूजन में अपना ये मतलब पढ़ाई और सारा अपना जो फोकस माइंड है उसको हटा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको डेट, आपको रजिस्ट्रेशन और आपको सिलेबस में, इन सब में जो भी प्रॉब्लम है आपका एक ही सोल्यूशन है कि आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, उस पर देखिए। और दूसरी बात ये कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, ठीक है। तो ना अभी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अभी निकला है, ना आपका ये आया है कि पेपर कब होगा, सिलेबस में कितनी कटौती होगी ये भी कुछ नहीं आया है, होगी भी कि नहीं होगी। तो प्लीज़ इधर उधर के स्पेकुलेशंस पे कम ध्यान दीजिए। आप अपनी पढ़ाई को प्लीज देखिए कि भाई आप पढ़ाई में कैसे फोकस कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि भाई पेपर पोस्टपोन हो रहा है तो मेरे पास और ज्यादा टाइम है मेहनत करने का, तो इधर उधर की न्यूज में सोचने के बजाय आप ये सोचिए कि आप अपना सिलेबस कैसे कवर करेंगे। और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि भाई हमारा जो EkEdu है उसमें भी जो है एक क्रैश कोर्स जो है और साथ में डिफरेंट कोर्सेज आपके निकाले हैं, इसके लिए भी निकाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई अभी तक आपने शुरू नहीं की है इसकी तैयारी तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सब नंबर्स पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, उस पे जाइए और इसकी इन्फॉर्मेशन और अपडेट से प्लीज वाकिफ होइए, ठीक है। तो जाइए और अपने आप को जो है इससे एनरोल कर सकते हैं आप, ठीक है। सो फॉर दैट फॉर नाउ अभी के लिए मैं चलती हूँ, ठीक है। और आपको जल्द ही इसके और भी अपडेट्स देते रहूंगी, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए और कीप लर्निंग। ओके, सो वील मीट सून। थैंक यू।